आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर बोले सीएम केजरीवाल, स्कूल खोलने पर भी दिया जवाब। मिशन काशी पर पीएम मोदी, क्रूज के रविदास घाट पहुंचे पीएम मोदी, 6 बजे गंगा आरती में होंगे शामिल। भारत ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया स्मार्ट डीआरडीओ, ने दी जानकारी। ईडी ने पूर्व विधायक अतीक अहमद और उनकी पत्नी पर कसा शिकंजा, जब्त की करोड़ों की संपत्ति। भड़की प्रियंका गांधी, सीबीएसई एग्जाम पर किए सवाल, बोली हम बच्चों को ऐसी बकवास चीजें क्यों सिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियों ने चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में फतेहपुर के कई गांव में चुनावी चौपाल लग रही है और इस चौपाल में नेता अपने अपने पार्टी का बखान कर रहे हैं और इस चुनावी चौपाल में महिलाएं भी अपना सहयोग कर रही हैं। पिठौरा ब्लॉक में कांग्रेस के युवा नेता शिवा कांत तिवारी अपनी पार्टियों की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवरिया में बाबा राघव दास की 125वीं जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में देवरिया के सांसद माननीय डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, विशेष अतिथि सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर अनंत मिश्र, दीनदयाल उपाध्याय सहित कई लोग मौजूद रहे। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों की तरफ से माँ शारदा के चित्र पर पुष्प अर्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्य अतिथि ने यहां पर वृहद पुस्तकालय बनाए जाने की घोषणा की है। वहीं समारोह में खास मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है। पूज्य बाबा राघव दास की 125वीं जयंती समारोह का जो आयोजन हुआ है, ये निश्चित ही प्रेरक है, अनुकरणीय है और बहुत ही आनंददायक है। इस अवसर पर बहुत सुखद अनुभूत हो रही है और इसके लिए, इस आयोजन के लिए यहाँ के प्रधानाचार्य जी को, यहाँ के संपूर्ण शिक्षक परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भूर भूर प्रशंसा। सुल्तानपुर में जिला सहकारी गन्ना मिल में कुड़वा क्षेत्र के लगभग 7 गांव में किसानों का गन्ना हैदरगढ़ के प्राइवेट चीनी मिल में भेजने के लिए आदेश किया गया है, जिसको लेकर कुड़वा क्षेत्र के गन्ना किसान जिला पंचायत परिसर में लगभग 21 दिन से धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि हमारा गन्ना जिले के सहकारी चीनी मिल में लिया जाए, लेकिन किसानों की मांग पूरी न होने पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन गन्ना अधिकारी का शव यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए गन्ना अधिकारी और सांसद मेनका संजय गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मथुरा में श्रम विभाग की तरफ से सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन में आगरा मंडल के 2500 नवयुगल जोड़े परिणय सूत्र में बांधे गए। इस समारोह में जनपद मथुरा की भी महत्वपूर्ण सहभागिता रही। श्रम विभाग ने सन निर्माण कर्मकार 442 नवयुगल जोड़ों का सामूहिक विवाह कराकर मथुरा का नाम अव्वल किया। सहायक श्रम आयुक्त एमएल पाल ने बताया कि श्रम विभाग की पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके युद्ध स्तर पर कार्यों का संपादन किया। आगरा मंडल में जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया गया है, उसमें पूरे 2932 जोड़ों के थी कार्यक्रम कराए गए, जिसमें मथुरा जनपद से 442 जोड़ों की सहभागिता रही है। और इस शादी के कार्यक्रम में मथुरा जनपद से उनके परिवार जो जोड़े थे, जोड़े के परिवार भी गए हुए थे। और इन शादी के कार्यक्रम के लिए जो श्रम विभाग द्वारा अनुदान दिए जाते हैं, उसमें टोटल 75,000 रुपये दिए जाते हैं। 75,000 रुपये में 10,000 रुपये उनके वस्त्र इत्यादि खरीदने के लिए दिए जाते हैं, शेष 65,000 रुपये उनके खाते में अंतरित किए जाते हैं।
श्रम विभाग का बोर्ड है, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, और इस बोर्ड के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं में एक योजना है कन्या विवाह अनुदान योजना। इस योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह भी आयोजित किए जाते हैं और आगरा मंडल में ये दूसरी बार है। इससे पहले 18 फरवरी सन 2020 को ये आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 1245 जोड़े पूरे मंडल से इकट्ठा हुए थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अब की बार 12 दिसंबर 2021 को ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें 9232 जोड़ों ने सहभागिता की है वहाँ पर, जिसमें से मथुरा के 442 जोड़े आगरा में कोठी मीना बाजार में ये कार्यक्रम संपादित हुआ था उसमें सहभागिता रही थी। और उस कार्यक्रम में जनपद मथुरा की बड़ी तारीफ भी हुई क्योंकि सारे जोड़े सजे संवरे थे। इसके अलावा एक जो सौभाग्य की बात होती है वो ये था कि जो मुख्य वेदी थी उस पर मथुरा के ही 4 जोड़े बैठे थे और उनको माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी स्वयं आए थे मंच से आकर और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था। साथ ही एक बात और कि 13 जोड़े मुस्लिम समुदाय से गए थे, उनका भी वहां पर निकाह पढ़ाया गया था। शाजापुर में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने समाजवादी पार्टी का समर्थन करने का आह्वान किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय पर बताया कि वर्तमान में जनता की तरफ से एहसास किया जा रहा है कि भारत का संविधान खतरे में है। अंधविश्वास, जातिवाद, अपराध और अत्याचार और भ्रष्टाचार की आंधी ने कमजोर पिछड़े वर्ग के लोगों में भय है और ये सरकार पूंजीपतियों और दबंगों के साथ दे रही है और ऐसे लोगों में देश में आगे चलकर बड़ा खतरा बन सकता है। आपके सामने बैठे हैं, गुरु हैं आप लोगों से, और मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को लेकर चलने वाले हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव लगातार उनके सपने साकार करने में लगे हुए हैं, उनके विचारों को लेकर चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों को लेकर चल रहे हैं। मैं समझता हूँ जिस तरह से राजेश भाई ने पूरी अपनी बात रखी है तो हकीकत यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों एक ही विचार के थे। अटल चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया से सितंबर 2020 को कराया गया। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी पूरी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर आधारित पार्टी है। इसके मैनोफेस्टो में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पूरी तरीके से निहित है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी चाहती है इस देश के अंदर इंसानियत और मानवता के आधार पर राजनीति हो, जाति धर्म और मजहब की राजनीति को छोड़ के इंसानियत और मानवता की राजनीति। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन सितंबर 2020 में हुआ था और 26 नवंबर 2020 को दिल्ली में हमने पार्टी की ओपनिंग की थी। उधर पूर्वोत्तर भारत में 2021 में चुनाव सामान्य विधानसभा के डिक्लेयर होने वाले थे तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने आसाम स्टेट में 21 सीटों पर चुनाव भी लड़ा अपने दम पर और 4.5 से 5% बलिया में बहरासपुर पुलिया के पास की शील्ड की सफाई के नाम पर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां जेसीबी से नहर की सफाई की जा रही है। जेसीबी से किनारे की मिट्टी को काट कर जेसीबी से बराबर किया जा रहा है और नहरों में पूरी तरह से गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योगी सरकार में ऐसे ही नहरों की सफाई की जाती है या ऐसे सफाई करने वाले जूनियर इंजीनियर के खिलाफ सीएम योगी कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं जूनियर इंजीनियर हूँ जी। अभी कहाँ पे आए हैं और किस तरह की ये सफाई चल रही है? ये सील्ड सफाई चल रही है और ये पूर्व रजवाहा है, इसकी सील्ड सफाई होनी है 1 किलोमीटर से और 28 किलोमीटर जी। ये कहाँ से कहाँ तक सफाई हो रही है सर? ये पता है तो 1 किलोमीटर से 28 से 800 तक जी, यानी उधर बांसडी मनियर रोड तक जी। अभी तो जो सफाई अभी चल रही है, जो अभी सफाई चल रही है, क्या यह मानक के अनुरूप सफाई चल रही है? अभी जो आप मौके पे देखे कई जगह टेढ़ा मेढ़ा भी दिखाई दे रहा है। शाजापुर में बिजली का तार टूटने से बड़ा हादसा हो गया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक महिला सहित एक अन्य की मौत हो गई है, जबकि घायल हो गया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सूचना पर पहुंची डायल 108 ने सभी घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहाँ डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। वहीं इस घटना पर लोगों का कहना है कि इस मामले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है।
सहारनपुर के ग्राम गलेरा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चारदीवारी और गेट और चारदीवारी निर्माण कार्य को लेकर गलेरा ग्रामवासियों ने ठेकेदार पर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने नगर निगम और अभियंता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी के पास शिकायत पत्र भी भेजा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारे क्षेत्र में बन रहे अंबेडकर पार्क के निर्माण में उपयोग होने वाला सभी निर्माण मटेरियल अव्वल दर्जे का होना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में यहां कोई दुर्घटना ना हो सके। इसके साथ ही इस निर्माण कार्य की जांच भी होनी चाहिए। मनोज गौतम, वार्ड नंबर 9 से, मोहल्ला ग्वालिरा, मेरा निवास ग्वालिरा है। और ये जो हमारा अम्बेडकर पार्क के नाम से सौंदर्यकरण हो रहा है, इसमें हम ये चाहते हैं ईंटों की इनकी जांच कराई जाए। ईंट ये अव्वल कह रखी है, लेकिन अव्वल ईंट नहीं है, ये दोम ईंटें लगी हुई है, नीचे से ऊपर तक की सारी दोम ईंटें हैं। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि काम हमारा सही हो। मेरा नाम सूरज गौतम, मेरा गांव गलेरा, और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा जो संगठन है, मैं भारत मुक्ति मोर्चा के जिला महासचिव हूँ सहारनपुर। अच्छा, ये जो निर्माण हो रहा है, किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, क्या बनना है? जी, ये निर्माण हो रहा है अंबेडकर पार्क के नाम से, यहाँ पे निर्माण हो रहा है नगर निगम की तरफ से। अंबेडकर पार्क यहाँ पे उसका कार्य यहाँ पे चल रहा है। नहीं, अभी मैंने जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको मैं वही मौके पर भेज रहा हूँ, और यदि कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जेई के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं हो सकता है, गुणवत्ता का हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। और जनता से भी मैंने अपील की है और आप लोगों से भी अपील कर रहा हूँ, जहाँ कहीं भी अगर आप कमी दिखे तो मुझे तुरंत अवगत कराएं, जिससे हम लोग ठेकेदार के। शाजापुर के कलान थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। 3 अलग अलग गांव के प्राथमिक विद्यालयों को निशाना बनाते हुए शातिर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। लगभग तीनों विद्यालयों में लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया है। कहा जा रहा है स्कूल में चोरों ने घुसकर रसोई का ताला तोड़ा और रसोई में रखे स्टील और एल्यूमिनियम के 2 भगोने और एक गैस से भरा सिलेंडर रसोई से चोरी कर लिया है। छात्रों के भागने के बाद स्कूल के स्टाफ की घटना को जानकारी मिली। वहीं थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि चोरियों की तहरीर चौकी पर मिली है। पुलिस ने मौके पर जाकर मुआयना किया और जांच के आदेश दे दिए हैं। मिर्जापुर में 7 फेरे लेने और विवाह संस्कार संपन्न होने के बाद बाइक न मिलने पर दूल्हा इस कदर नाराज हुआ कि दुल्हन के बिना विदाई कराए ही दूल्हा मंडप से फरार हो गया। मंडप का सामान समेट कर दूल्हा उस वक्त पलायन कर गया जब लड़की पक्ष के लोग कन्या की विदाई की तैयारी कर रहे थे। दूल्हे के वापस न आने पर कन्या पक्ष के लोग पुलिस से गुहार लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम दिव्यांशी मोदनवाल है। कहाँ की रहने वाली है? हम टंडनपुरी कॉलोनी के रहने वाले हैं, मिर्जापुर में। हाँ, मिर्जापुर में। क्या प्रकरण है ये? आपकी शादी को लेकर जो सुनने में मिल रहा है कि लड़का मांग में सिंदूर भरकर, उसके बाद क्या प्रकरण है? एक्चुअली बात ये है कि कल 11 दिसंबर शनिवार को मेरी शादी हुई थी। सुबह 4 बजे भोर में मेरे मांग में सिंदूर पड़ाया था, और फिर उसके बाद हम गए कपड़े चेंज करने के लिए, तो फिर वो लोग सब सामान लेके भागने लगे, मांग रहे थे बाइक। हाँ, तो पापा मेरे नहीं दे पाए। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में सरकार विरोधी नारे लगाए, और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से बढ़ती महंगाई के विरोध में ज्ञापन दिया। ज्ञापन देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से पारित नई शिक्षा नीति और श्रम नीति की खामियों और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने और पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है। इसी के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। क्या नाम है आपका? राजा भैया कुशवाहा है। आज जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया? हम इस संबंध में दिया कि जो हमारी बेरोजगारी है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के संबंध में हम जो शिक्षा एक समान नहीं हो पा रही है, हमारे डीजल पेट्रोल के दाम भी जो बढ़ाए गए थे वो घटाए नहीं जा रहे हैं, तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी डीजल के और पेट्रोल के दाम घटाएं,
हमारी शिक्षा के बारे में सोचे, ये जो ज्ञापन। हमीरपुर में हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों की तरफ से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। 15 दिन पहले राज मिस्त्री की लाठी डंडों से पीटकर हत्या की गई थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की। ग्राम प्रधान समेत 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। हत्या के मुख्य आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। रघु और रघु के तीनों भाई थे और बाधना के दो लोग थे और ये दो गाड़ी अस्पुरा के थे। पाल से थी, क्या हुआ था, किस तारीख को हुआ? 2 तारीख की बात है। अब मेरे पापा काम करने गए थे, इसलिए वो लोग आए। फायरिंग वायरिंग थी, फायरिंग वायरिंग करने के बाद 7 लोग अंदर घुसे। पापा हमारे अंदर काम कर रहे थे तो अंदर जाकर बाहर निकाला उनको और डंडे से बहुत ज़्यादा मारा, भी मार मारी और पेट में उनके कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए हमीरपुर में भर्ती किया। हमीरपुर में भर्ती किया तो उनको हमीरपुर से रेफर कर दिया। कानपुर ले गए तो कानपुर में डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया क्योंकि बहुत सीरियस थे वो। तो इसके बाद वहाँ पर दो दिन। खबर फतेहपुर से है। यहाँ पर कस्बे में सपा नेता और पूर्व डीआईजी राम तीरथ परमहंस ने सामाजिक बैठक कर समाजवादी पार्टियों की नीतियों के बारे में जानकारी दी और जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया। बैठक के दौरान सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे और वहां सपा नेता राम तीरथ परमहंस ने किसानों के बीच जाकर उनकी बदहाली और आवारा पशुओं ने जो उनकी फसलें बर्बाद की है उस पर भी बात की और कहा कि डीजल पेट्रोल गैस खाद के बढ़ते दाम में अहम मुद्दा है, इन परेशानियों को कैसे दूर किया जाएगा इस पर भी बात की जाएगी। स्थानीय मुद्दों को लेकर के मैंने बात की, उनकी समस्याओं को मैंने जाना। स्थानीय मुद्दों में इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ के स्थानीय मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं की। दूसरी समस्या यहाँ पे है कि कम से कम इतनी बेरोजगारी और नवयुवकों के बारे में जो उठ के आ रहा है वो समझ में आया है और जितना महंगाई, चाहे वो डीजल पेट्रोल के बारे में हो, खाद्य तेलों के बारे में हो या गैस के बारे में हो, बीजों के बारे में हो, खाद खेतों में डालने वाली खाद के बारे में हो, इन समस्याओं से पूरी समस्या जनता जो है जूझ रही है और पूरी तरह से जो है सत्ता पक्ष में जो इस समय शासन कर रही है उसके विरुद्ध। शाहजहांपुर में अवैध असला समेत चोरी किए गए आभूषण और ऑल्टो कार बरामद किए गए हैं। नरगैया में मोड़ पर चेकिंग के दौरान अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई। शाहजहांपुर, बरेली, हरदोई और सीतापुर सहित कई जनपदों में चोरियों को अंजाम देते थे और इस बीच दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, इस दौरान सिपाही घायल हो गए हैं। फतेहपुर जनपद के हदगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत शाहपुर गांव में 60 वर्षीय गणेश गुप्ता की धारदार हथियार से हत्या की गई। वहीं मामले का सामने आने के बाद पीड़ित पक्ष द्वारा थाने में तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इसके अलावा फील्ड यूनिट के मौके पर पहुंचकर सबूतों को जुटाया। थाना हदगांव जनपद फतेहपुर के शाहपुर गांव में एक गणेश प्रसाद गुप्ता, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, इनकी धारदार हथियार से चोट पहुंचा करके हत्या कर दी गई है। फील्ड यूनिट ने भी साक्षी एकत्रित कर लिया है। थाने पर तहरीर प्राप्त हो चुकी है। आरोपी जो 3 हैं उनको पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।